केंद्र की मोदी सरकार ने राम मंदिर उद्घाटन की जोरदार तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यूपी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन मीट की दुकान बंद रखने का फैसला किया है। मछली व्यापारियों का कहना है कि 22 जनवरी को सरकार के आदेश अनुसार मछली और मीट की बिक्री नहीं की जाएगी, सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर एक दिन हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें खुशी है कि रामनगरी अयोध्या में राम की भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और राम जी अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। लखनऊ से राशिद अलवी की रिपोर्ट। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हम लोग के धर्मों की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, हिंदुओं की धर्म की बात है। सबकी सबकी इच्छा यही है कि बंद रहे एकदम। अरे बहुत बहुत खुशी हो रही है हमको। हमको तो इतनी खुशी हो रही कि हमारे हिंदू धर्म में कोई पैदा तो हुआ मंदिर बनाने के लिए। अब नफा नुकसान उनके ऊपर है, मेरे ऊपर तो नहीं है। कि उस दिन सारी दुकानें बंद रखेंगे क्योंकि वो इष्ट देव है हमारे, हमारे जय श्री राम है, तो उनकी कृपा से हम कमा खा रहे हैं, उनके लिए उस दिन सब बंद रहेगा, प्रतिबंध।